नमस्कार, मैं विलास आड़े, डीटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने गुरुद्वारा माता साहिब देवाजी में किया स्वच्छ भारत अभियान का आगाज। कठिन परिस्थिति में बंदूक उठाने वाले हाथों ने आज उठाया झाड़ू, देशभक्ति की नई मिसाल। जब जब देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तब तब कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स को राज्य सरकार अपने इलाके में आमंत्रित करती है। पिछले 22 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग जल रही है। कहीं जिलों में पुलिस पर पथराव एवं आगजनी की घटनाओं की वृद्धि हो रही है। मुंबई की RAF 102 डेल्टा कंपनी का डेरा पिछले 3 दिनों से नांदेड़ के माता साहिब गुरुद्वारा में है। 100 से ज़्यादा जवान किसी भी घटना को निपटने के लिए तत्पर है, पूरी तरह से लेस ये जवान। उन्होंने आज अपने देशभक्ति का परिचय दिया है। आज माता साहिब गुरुद्वारा के कैंपस को स्वच्छ करने का मंसूबा इस कंपनी के आला अधिकारियों ने गुरुद्वारा माता साहिब देवाजी के प्रमुख जत्थेदार बाबा प्रेम सिंह जी को बताई। बाबा जी ने इस नेक काम के लिए हाँ भर दी। तनावपूर्ण स्थिति में अपने हाथ में बंदूक लेकर असामाजिक तत्वों से एक एक हाथ लड़ने वाले जवान आज झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन गए। इन जवानों को इस पूरे गुरुद्वारा इलाके में झाड़ू लगाते देख श्रद्धालुओं का मन भर आया। नांदेड़ से बन्नी चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज इंडिया। निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है देश सेवा करने के बाद। देखिए, हमारा डिप्लॉयमेंट मराठा आरक्षण आंदोलन में नांदेड़ जिले में लाइन डाडर को मेंटेन करने के लिए हुआ है। हम डेल्टा कंपनी कमांडर हैं। डेल्टा कंपनी 102 RAF जो मुंबई में स्थित है, हमें आदेश मिला हुआ था मैं 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक यहाँ कैंप करना। चूँकि हम इस कैंप पे रह रहे हैं माता साहिब गुरुद्वारा में, तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य बनता है, परम दायित्व बनता है कि इस कैंपस की साफ सफाई किया जाए, जिससे भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की सफलता सुनिश्चित हो सके। सर, कितने जवान थे पूरे इस मुहिम में? हमारी एक कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है 120 की होती है, तो हमारे साथ पूरी नफरी 120 की है, जो जरूरत पड़ने पर लाइन आर्डर को मेंटेन करते हैं, जरूरत पड़ने पर हर तरह की देश सेवा के लिए तत्पर होते हैं। हम अमन के सिपाही हैं, अमन की सुरक्षा के लिए हर वो चीज करने के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए, ये देश जो है केवल बंदूक के सहारे जो है बाहरी लोगों से या जो बाहरी आक्रमक है उससे हम हमारे देश को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल गंदगी है या अंतर्गत जो अस्वच्छता है, ये भी हमारा देश का जो है दुश्मन है, और इसको अगर हम दूर करते हैं, इसको अगर हम मार देते हैं, तो ये देश भी जो स्वच्छ सुंदर कहला जाएगा। और जो विदेशों से हम तुलना करते हैं कि बहुत साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है, तो हमारा देश भी स्वच्छ सुंदर बन जाएगा। और जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान है उसका भी यही मकसद है कि देश स्वच्छ हो, देश सुंदर हो। और आते ही पूरा 23 आवर्स का जर्नी करके आए, और जैसे पता चला हमें इस गुरुद्वारा में लोकेटेड किया है, रहने के लिए जगह दी। आते सभी को इतना अच्छा लोकेशन मिला, पूरे गद्दे वगैरह बिछे हुए थे, इतने थक के आए थे हम लोग, और गुरुद्वारा में मतलब बाबा जी की कृपा से इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ हमारा रहने का कि
जो 23 घंटे के हमारे जो सफर की थकान थी वो कुछ क्षणों में गायब हो गई। इतना अच्छा निसर्ग रम्य परिसर और इतनी अच्छी मतलब यह एक पॉजिटिव एनर्जी वाला माहौल देख के हमें बहुत सुकून मिला और हम बड़े जोश के साथ फिर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। उसके लिए हम बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतना अच्छा लोकेशन दिया रहने के लिए। खाने पीने का कोई पाबंदी नहीं है और सब सुविधाएं यहाँ लाइट पानी वगैरह सारी सुविधा एकदम उपलब्ध थी। हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मैडम जी आपकी बटालियन कंपनी और कितने लोग थे पूरे? हम लोग टोटल 120 लोग आए थे जिसमें दो ऑफिसर्स भी हमारे साथ और हम 120 या हम लोग 118 लोग रह रहे और बहुत अच्छे से यह गुरुद्वारा ने हमारी सुविधा दी। तो क्या आपकी आपकी कंपनी की वजह से आज यह स्वच्छता अभियान गुरुद्वारा में चला जाए? हाँ, आज हम अपने सोच रहे अभी दो दिन के बाद हो सकता है हमें अपने हेडक्वार्टर में वापस जाना पड़ेगा। तो हमने स्वइच्छा से बाबा जी के पास हमारे कंपनी कमांडर महोदय ने इच्छा जाहिर की कि हम यहाँ कुछ श्रमदान करना चाहते हैं। तो फिर बाबा जी ने हमें परमिशन दे दिया कि ठीक है, हम एक दिन जब आप लोगों की ड्यूटी नहीं है हम सारे मिलके यह सफाई अभियान कर लेते हैं। फिर मिलेंगे कुछ खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dtnews.online पर आप लॉग इन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ये है DTV न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं DT न्यूज इंडिया।